हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपलीफिकेशन और मिश्रण के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ये आपको मालूम है। सिंपलीफिकेशन का ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको इसको करने का तरीका बताऊंगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि सिंपलीफिकेशन का कोई भी सवाल हो आपको बोर्ड मास आना चाहिए, बोर्ड मास के नियम से ही सॉल्व होता है। समझ में आया? 27 एक बटे दो प्लस 15 तीन बटे चार माइनस 12 दो बटे पांच प्लस 18 चार बटे पांच। इसको करने का सबसे सरल तरीका है कि आपको ये वाली संख्या पहले सॉल्व कर लेनी है, ये वाली संख्या पहले सॉल्व करनी है। ये बटे वाली संख्या से जो पहले की संख्या है ना, इनको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये 27 प्लस का है, 15 प्लस का है और ये 18 प्लस का है। तो ये प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो और ये माइनस का है तो इसे घटा देंगे, ठीक है ना। बस इतना काम कर लीजिए। तो 27 और 15 को मैं जोड़ूंगा तो ये 42 हो जाएगा, और 42 में 18 जोड़ूंगा 60 हो जाएगा, और 60 में से 12 माइनस कर दूंगा तो 48। तो सभी को मैंने जोड़ लिया है, सरल कर लिया है, 48 आया। अब ये क्या है मेरा, 1 बटे दो प्लस 3 बटे चार माइनस का 2 बटे पांच और प्लस का 4 बटे पांच। ये सवाल मेरे पास बचा हुआ है, इसी को सरल करना है। 48 मुझे क्या करना है, 2 चार पांच पांच का एलसीएम लेना है, जो कि 20 आ जाएगा, है ना। 20 आ गया, 2 से 20 को काटूंगा 10 बार में काटेगा, 10 एकम 10, 4 से 20 पांच बार में काटेगा, 5 त्रिका 15, ये माइनस का साइन है इधर, माइनस का। 5 से काटेंगे 20 को चार बार में काटेगा, 4 दुनिया का 8 प्लस 5 से काटेंगे 20 को चार बार में काटेगा, 4 चौकू 16। ये सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए सबको जोड़ेंगे, ये माइनस का 8 है, 10 और 15 25, 25 में जोड़ूंगा मैं 16 41 हो जाएगा, और 41 में से 8 माइनस कर दूंगा तो 33, ठीक है। और बटे में मेरे पास ये 20 है। चलिए अब ये कितना है, 48 प्लस का 33 बटे 20। अब आप जानते हैं कि 20 से 33 में डिवाइड हो सकता है एक बार, है ना भाई, एक बार डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये 48 है प्लस का 1, एक बार में डिवाइड हो गया। देखो 20 एक कम 20 कट गया ना, तो वो 1 यहां पे आ गया, एक बार में कट गया ना वो 1 यहां पे आ गया। अब 33 में से 20 कट गया तो बचा कितना, 13 ही तो बचा, 13 बटे में कितना 20। तो 48 में जोड़ दो 1, ये हो जाएगा 49 पूर्णांक ऊपर 13 बटे में 20। इसको कैसे कराया जाता है, सभी जब हमारा डिवाइड हो सकता है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार डिवाइड कर देंगे। दो बार में होता तो यहां पर 2 आ जाता, तीन बार में होता तो यहां 3 आ जाता। फिर इनको जोड़ लेते हैं, जो बचा हुआ वो लिख दीजिए। तो ये मेरे सवाल का यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 117 13 और 74 को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली जो संख्या होती है इनको हम पहले सॉल्व कर दें। चलिए 117 में अगर मैं 13 जोड़ लूंगा तो 130 हो जाएगा, और 130 में से अगर मैं 74 को माइनस कर दूं, ये 130 हो गया, 130 में से माइनस कर देते हैं हम 74, 10 में से 4 जाएगा 6, 12 बचा, 12 में 7 जाएगा 5, 56 बचा, कितना बचा 56। अब ये ले लो 2 बटे 5 प्लस का 1 बटे 5 माइनस का 2 बटे 3, इसको सरल कर लेना है, ठीक है। 5 5 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से काटो 15 को 3 बार में कटेगा, 3 दुनिया का 6, 5 से काटो 15 को 3 बार में कटेगा, 3 एकम 3 माइनस 2, 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 दुनिया का 10, ठीक है। अब देखिए 56, 6 प्लस का 3 प्लस का 9 माइनस का 10, तो माइनस के 10 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और बटे में कितना है ये 15, बटे में कितना है 15। अब देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, ये 56 दिया गया ना मेरा, ये 56, इस 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 55 प्लस 1, 56 लिख सकता हूं कि नहीं भाई, 56 को मैं 55 प्लस 1 लिख सकता हूं, और उसके बाद में क्या है माइनस का 1/15, यही तो है। चलिए अब इसको मैं सरल करूंगा, 15 एकम 15, 15 में से माइनस 1 करूंगा तो 14, कितना हो जाएगा 14। तो ये 55 है, ये 55 है, 15 एकम 15, 15 में से माइनस करेंगे 14 हो जाएगा, कितना 14, तो 14 बचा बटे में कितना 15। तो ये क्या है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही प्रश्नों में गलती कर देते हैं बच्चे, लेकिन गलती नहीं करनी, ठीक है। ये मेरे पास माइनस का 1 है, कोई बात नहीं, मैं 56 को 55 प्लस 1 लिख सकता हूं, तो 15 एकम 15, 15 में से माइनस करेंगे 1, 14 आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है
एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए, 4:1 हो जाए। देखिएगा, दूध डाला जाए, दूध मिलाने की बात कर रहा ना, पहले दूध 3 था फिर 4 हो गया, 3 से दूध 4 हो गया, कितना बढ़ रहा है अनुपात में, 1 बढ़ रहा है। पानी नहीं बढ़ रहा क्योंकि पानी मिलाया ही नहीं जा रहा है, पानी तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। दूध बढ़ा रहा है ना, वो दूध मिला रहा है तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। अनुपात में दूध की मात्रा कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। तो हमारे पास टोटल कितना है दूध, 20 लीटर है, ठीक है ना। कितनी मात्रा बढ़ रही है, 1 मात्रा बढ़ रही है अनुपात में, 1। और बढ़ने के बाद कितना हो जा रही है मात्रा, 4 हो जा रही है। तो 4 से डिवाइड कर दू, 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5, बस इतना सा काम करना था, सवाल खत्म। 2, 3, 4, 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा, उससे ज्यादा समय आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 45 किलो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी इनका जो अनुपात है 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। अब देखिए प्रश्न में गलती क्या है, मैं आपको बताता हूं। उसने क्या बोला, कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो पानी का अनुपात बढ़ेगा, पानी मिलाएंगे तो पानी का अनुपात बढ़ना चाहिए, दूध का अनुपात तो सेम रहना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दूध मिलाया था तो दूध का अनुपात बढ़ गया था, पानी का सेम था, लेकिन यहां तो पानी का भी बढ़ गया और दूध का भी बढ़ गया। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको अनुपात बराबर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अनुपात को बराबर करना है। अनुपात को बराबर कैसे करेंगे, देखिएगा, 4 × 3 से करो, 3 × 4 से, ठीक है। तो 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, दोनों का 12 12 आ गया ना, ठीक है, दोनों का 12 12 आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8, समझ लेना। अब देखो मेरा दूध का जो अनुपात है वो बराबर हो गया, यानी कि दूध की मात्रा मेरी अब नहीं बढ़ रही। यहां देखो दूध की मात्रा कम हो गई थी, जबकि कुछ होना नहीं चाहिए, जब हमने दूध ना बढ़ाया ना घटाया तो जितना है उतना ही रहना चाहिए। लेकिन क्या है, एग्जामिनर ने आपको ऐसा क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया कि बच्चे जो जीनियस होंगे वही कर पाएंगे, बाकी का छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो बराबर कर लेना, 3 × 4 से करो, 4 × 3 से करो, बराबर हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 4 × 2 = 8। तो मेरा दूध पहले 12 था, अब भी 12 हो गया। मेरा पानी पहले 3 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो 3 से पानी मेरा 8 हो गया, कितना बढ़ गया है पानी मेरा, 5 बढ़ गया है। देखो कितना पानी था मेरा, मतलब कितना मिश्रण था टोटल मेरे पास, 45 था ना, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ रहा है। और बढ़ने के बाद कितना हो रहा है भाई, बढ़ने के बाद मेरे पास कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। कितना बढ़ा है मेरे पास, 5 बढ़ा है। देखिएगा अभी देख लेते हैं, 5 बढ़ा है मेरे पास, ठीक है। अब अनुपात में देखो, 3 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। मुझसे बोला है मिश्रण में कितना पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। चलिए इसमें हमें करना है, अनुपात में 3 से 8 हो गया मतलब 5 बढ़ गया है ना। और मेरे पास मिश्रण कितना है, देखो ये मिश्रण मेरे पास 45 kg है, और ये दूध और पानी का जो नया मिश्रण मेरे पास बना है ना, इसको आप जोड़ के डिवाइड करेंगे, 12 × 3 = 15, यानी कि 15 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 15 × 3 = 45, 3 × 5 = 15, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो कितना पानी और डाला जाएगा, 15 लीटर, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है। क्या मिला रहे हैं, 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। पानी डालेंगे तो भाई पानी की ही मात्रा बढ़ेगी, दूध तो सेम टू सेम रहेगा। तो पानी देखो अनुपात में 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ गया, 1, यानी कि अनुपात में कितना बढ़ा है, 1, और रियल में कितना बढ़ा है, 5, यानी कि 1:1 की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था, तो पहले वाला मिश्रण तो ये है ना, ये तो बाद में हुआ था, पहले वाले मिश्रण ये है, और पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 5। जब 1:5 की वैल्यू 5, तो 5:5 की वैल्यू हो जाएगी 25। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन।
अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।